अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर जिसका नाम है हाइबिस्कस। इसको हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं और चाइनीज़ रोज़ भी कहा जाता है इसको। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, काफ़ी सारे कलर इसके अंदर मिल जाते हैं, हाइब्रिड वैरायटियाँ मिल जाती हैं इसकी। देसी वैरायटी में आपको सिर्फ रेड कलर मिलेगा, जो कि काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, वो इतनी जल्दी कोई कीड़ा वगैरह इसके अंदर हमला नहीं करता और इतनी जल्दी जो है वो मरता भी नहीं है। तो देसी वैरायटी बहुत अच्छी होती है इसकी, उसकी जो है वो ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उनकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो थोड़े से नाजुक होते हैं और उनमें काफ़ी सारे कलर आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो इसको ग्रो करने का हम तरीका जानेंगे, किस तरह से इसको हम ग्रो कर सकते हैं और अपने पास इसको सेव करके इससे फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। तो इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है, इसकी फूलों की खूबसूरती होती है, खाली खुशबू इसके अंदर नहीं होती है। तो चलें बात करते हैं इसको ग्रो करने की, किस तरह से जो है वो इसको ग्रो किया जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की, कि कौन सी मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। तो मिट्टी आपने जो है वो वेल ड्रेन इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी खड़ा नहीं रह पाए, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी जो है वो पसंद नहीं होता। ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो इसके लिए मिट्टी जो है वो आपने वेल ड्रेन इस्तेमाल करनी है। तो सबसे अच्छी जो मिट्टी रहती है वो बालू रेत रहती है, तो वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत अच्छा होता है मिट्टी का। जैसे हम पानी देते हैं फ़ौरन से जो है वो ड्रेन हो जाता है। तो बालू रेत आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पास जो भी मिट्टी हो, लेकिन वेल ड्रेन होनी चाहिए, वो वाली मिट्टी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसको ग्रो करने का तरीका जानते हैं। तो ये कटिंग के थ्रू ग्रो होता है, इसके बीज भी होते हैं, लेकिन सबसे आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उनको कटिंग से लगाया जाता है, और देसी को भी कटिंग से ही लगाया जाता है, क्योंकि कटिंग से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग आप जो है वो बरसात के मौसम में लगा सकते हैं या बाहर के मौसम में लगा सकते हैं। 6 से 7 इंच की आपने इसकी कलम लेनी है, पेंसिल जितनी मोटी या उससे मोटी ले सकते हैं। तो आपने ओनली मिट्टी के अंदर लगा देना, जिसमें खाद वगैरह ना हो उस मिट्टी में आपने लगाना है, कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, आपने ओनली सिर्फ मिट्टी लेनी है। तो उस मिट्टी में आपने लगा देना है इसको, और शेडी एरिया में रख देना है जहाँ पर इसको सूरज की ब्राइट लाइट आए, सूरज की धूप ना आए, वहाँ पर उस जगह पे आपने इसको जो है वो रख देना है। तो महीने में 2 महीने में इसकी जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी सी ग्रोथ जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है। या आप नर्सरी से पौधा ला के उसको भी ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब बात करते हैं इसकी केयर की, कि क्या केयर है इसकी, किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। हमारे पास पौधा बन गया, अब किस तरह से जो है वो उसकी केयर करके हम इसको जो है वो हम अपने पास सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी फर्टिलाइज़र की, कि फर्टिलाइज़र इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो आपको बेस्ट लगे। आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप केमिकल में आप NPK इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में आप काउडंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक आपने जो है वो एक मुट्ठी सिर्फ 12 इंच के गमले में इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, और मिट्टी की हल्की हल्की सी गोटी कर देनी है। और केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल के आपने दानेदार जो मिलती है, जितने इसका आपका गमला उतने दाने आपने जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। वाटर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच 5 लीटर पानी में आपने अच्छी तरह मिक्स करके उसको 1 गिलास हर गमले में जो है वो आपने इस्तेमाल कर देना है 12 इंच के। अगर छोटा गमला है तो आधा गिलास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 दिन में या 7 दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये खूब अच्छे से जो है वो ग्रोथ करता रहेगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी पानी देने की, कितना पानी इसको देना चाहिए। तो पानी इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, पानी इसको जो है वो कम देना चाहिए, क्योंकि ये एक नाजुक पौधा होता है, ज़्यादा पानी की वजह से ये गल सकता है, इसकी जड़ें जो है वो गल सकती हैं। तो इसको आपने पानी कम देना है, जब मिट्टी ऊपर की सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तब आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी नहीं देना है। तो अब बात करते हैं धूप की, तो इसको कितनी धूप देनी चाहिए। तो आप इसको फुल धूप में आप इसको रख सकते हैं, फुल धूप में रखेंगे तो फ्लावरिंग जो है वो अच्छी करेगा। अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो फ्लावरिंग सही नहीं कर पाएगा, इसकी जो कलियाँ बनेंगी वो झड़ जाया करेंगी और फ्लावरिंग भी ये सही नहीं कर पाएगा, खाली पत्तों की ग्रोथ ही होगी। फ्लावरिंग अच्छी लेने के लिए इसको आपने जो है वो फुल धूप में रखना है। बस आपने इसको मई और जून की गर्मी से बचाना है, जो लू वाली गर्मी होती है तेज़ वाली, उस दौरान आपने इसको शेडी एरिया में रख देना या किसी ग्रीन नेट के नीचे रख देना, जहाँ पर इसको सिर्फ सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप लगे मॉर्निंग की, बाकी इसके ऊपर शेडी एरिया आता रहे तो ये अच्छे से जो है वो चलता रहेगा। तो इसके अंदर सबसे कॉमन पेस्ट जो लगते हैं वो मिली बग होते हैं, वाइट कलर के सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े होते हैं, जो कि पौधे की नई ब्रांच पर जो है वो बैठ जाते हैं, आके नई कलियों पर बैठ जाते हैं, वहाँ से जो है वो रस चूसते रहते हैं, तो पौधे की ग्रोथ वहाँ से जो है वो रुकने लग जाती है, फिर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, मुरझाने लग जाता है।
तो उसके लिए आप जो वो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल स्प्रे आप नर्सरी जाके या गार्डनिंग शॉप जाके, जो भी कीड़े लगे हुए हैं आपके पौधे में आप वो बताएंगे उसको, या उसकी तस्वीर लेकर चले जाएँ नर्सरी में या गार्डनिंग शॉप पे, किसी को भी वहाँ दिखाएंगे तो वो आपको उसके हिसाब से केमिकल पेस्टिसाइड वो आपको दे देगा। तो केमिकल स्प्रे आपने जो है वो 15 दिन के गैप से या 7 दिन के गैप से करते रहना है। अगर कीड़े नहीं मरते हैं तो आपने जो है वो हर 3 से 4 दिन के बाद स्प्रे करते रहें, तो फिर कीड़े जो है वो मर जाएंगे। और ज़्यादा फूल लाने के लिए आपको इसके अंदर जो है वो प्रूनिंग करनी पड़ेगी। इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये फ्लावरिंग जो है अच्छी करता रहेगा, क्योंकि फ्लावर जो है वो नई ब्रांच पे लगते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा बुशी होगा और फ्लावरिंग भी जो है वो ज़्यादा करेगा। तो अगर आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो रुकने लगती है, आपके पौधे के पत्ते मुरझाने लग जाते हैं या मुड़ने लग जाते हैं, उसका रीज़न जो है वो ज़्यादा पानी भी हो सकता है, कीड़ों का हमला भी हो सकता है। तो आपने पहले देखना है कि पौधे में कीड़े तो नहीं लग रहे, अगर कीड़े नहीं लग रहे तो आपने जो है वो पानी इसको कम देना है। ज़्यादा पानी की वजह से ही पत्ते इसके जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पौधे के पत्ते जो है वो पीले होकर गिरने लग रहे हैं, अगर सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो ये नेचुरली है, ये होता है, क्योंकि पौधा जो है वो रेस्ट में चले जाता है सर्दियों के मौसम में। तो अगर उसकी उस दौरान आपके पौधे के पत्ते जो पीले होकर गिर रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, ये नेचुरली जो है वो पौधे के साथ होता है। तो जैसे बाहर का मौसम शुरू होगा दोबारा से इसकी जो है वो नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ग्रोइंग सीजन में इसके जो पत्ते हैं वो पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह ओवर वाटरिंग भी हो सकती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी भी हो सकती है। पत्तों का पीला होना जो है वो आयरन की कमी की वजह से भी होता है और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी होता है। तो आयरन और मैग्नीशियम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में, तो इसके पत्ते जो है वो दोबारा से ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बरसात के मौसम में आपने जो है वो उसको थोड़ा शेडी एरिया में रख देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जो है वो जड़ें गल सकती हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। ज़्यादा पानी देंगे तो इसके पत्ते मुड़ने लग जाएंगे, पीले होकर गिरने लग जाएंगे और आपका धीरे धीरे पौधा जो है वो मर जाएगा फिर। तो बरसात से आपने ज़्यादा बरसात से इसको बचाना है। वैसे हल्की फुल्की अगर बरसात होती है आपके यहाँ तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा कंटिन्यू बारिश होती है, दिन रात बारिश होती रहती है, तो उससे आपने जो है उसको बचाना है, तो उस दौरान आपने इसको शेडी एरिया के नीचे रख देना है। तो अब बात करते हैं गमले की, कौन सा गमला इसको देना चाहिए, कितना बड़ा। तो 12 इंच का आपने गमला इसको देना है, 12 इंच से कम गमला इसको नहीं देना। 12 इंच का गमला देंगे तो अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, और हर साल आपने इसको जो है वो बड़े से बड़ा गमला देना पड़ेगा, तभी अपनी ग्रोथ को जो है वो अच्छा कर पाएगा। या आप इसकी रूट प्रूनिंग करके दोबारा उसी गमले में जो है वो उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो ज़्यादा नहीं चल पाएगा। 2 साल से 3 साल आप इसको जो है वो उसी गमले में लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो है वो उसको बड़ा गमला देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बुशी बन जाता है पौधा, परमानेंट पौधा है ये, सीजनल पौधा तो है नहीं, सीज़न पर तो उसको ख़त्म नहीं होना, तो ये एक परमानेंट पौधा है, तो उसको जो है वो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। आप इसको बड़े गमले में लगाएं या फिर इसको जो है वो ज़मीन में लगाएं, तो अच्छी ग्रोथ इसकी चलती रहेगी, ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं उनमें ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है आपको, लेकिन देसी वैरायटी जो है उसके अंदर आपको इतनी इसकी केयर करनी नहीं पड़ेगी। तो जो देसी वैरायटी है वो पूरा साल फ्लावरिंग करती है, जो हाइब्रिड वैरायटी है वो थोड़ी सी जो है वो परेशानी में चली जाती है उसकी केयर अगर ना करें तो। आप अगर अच्छी केयर करते हैं तो आप उससे पूरा साल फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो बस ये इसकी चंद केयर जो मैंने आपको बताई है, इस पर अमल करेंगे तो आपके पास भी हाइबिस्कस का प्लांट बहुत आसानी से उग सकता है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।